जैसा कि मैंने कहा, यहाँ वीडियो मैंने टाइम ब्लॉक किया, यहाँ पर सर भी एक तरह से मैंने अर्पण कर रहे हैं। काफी एक तरह से आज इम्पोर्टेंस डे है, खास तौर पर जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के दबाव से इंडियन सोसाइटी इंडियन लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पर सीओ सर भी हैं, एक तरह से यहाँ पर मल्यार्पण हो रहा है और एक तरह से बाबा अम्बेडकर की उनकी यादों को उनके संघर्षों को देखा जा रहा है। तो मैं आपको सीधे तस्वीरें इस वक्त दिखा रहा हूँ और काफ़ी इम्पोर्टेंट डे है एज ए इंडियन होने के नाते, एज ए इंडियन स्ट्रगलर। जामिया वर्ल्ड, इंसाफ की आवाज़। तो जैसा कि मैं दिखा रहा हूँ मानाटांड ब्लॉक में, जैसे तमाम अधिकारी हैं, माननीय विधायक हैं और किसी भी सीईओ हैं और वीडियो सर हैं, एक तरह से बाबा भीमराव अम्बेडकर को मल्यार्पण किया। उसके बाद से यहाँ पर कहीं ना कहीं बाबा भीमराव अम्बेडकर का जो संघर्ष है और एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने दिया देश को, उसके लेकर काफ़ी एक सम्मानजनक स्थिति में यहाँ तमाम जो पिछड़े लोग हैं वो जीते हैं, अपना कॉन्स्टिट्यूशनली हक इस्तेमाल करते हैं। खासतौर पर मैं आपको दिखाने की कोशिश में कर रहा हूँ। सर, एक कुछ मैसेज देना चाहेंगे आज बाबा भीमराव अम्बेडकर की जयंती है। देखिए, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि हमारे देश के संविधान निर्माता का जन्मदिन है और इनके जन्मदिन को हम लोग बहुत श्रद्धा से मनाते हैं और इनका पूरा जीवन ही एक दर्शन रहा है कि कैसे वंचित समाज के लोगों को आगे लेके आए और पे बैक टू सोसाइटी सभी लोगों के लिए उन्होंने यही दिया है कि जो लोग अपने समाज को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं किसी भी तरीके से, तो सबसे पहले जो है अपने गो बैक टू सोसाइटी जाइए, अपने समाज के वो जो सबसे पिछड़ा वर्ग है, जिस व्यक्ति को बहुत सारी परेशानियां हैं, ठीक है, ना वो जानकार है, ना उनको समाज के बारे में बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है, ना वो व्यक्ति समाज के मुख्य धारा से जुड़ा हुआ है, तो हम लोग इनकी सच्ची श्रद्धांजलि और सही मायने में बाबा साहब को तभी जी पाएंगे जब हम उन व्यक्तियों तक जो सरकार का जो मुख्य योजना है या उनको हम मुख्य धारा में लाएं और उनके जीवन को बढ़िया बनाने की कोशिश। सर, अभी थोड़ा क्या करें, जिस तरह से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, कहीं ना कहीं हमारा हिंदुस्तान डिफरेंट कल्चरल सोसाइटी है तो एक संविधान के तौर पर सबको जोड़ता है। आज बाबा भीमराव अम्बेडकर की जयंती, उस पर क्या एक तरह से कहना चाहेंगे? निश्चित रूप से बाबा भीमराव अम्बेडकर हमारे देश ही नहीं पूरे विश्व के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्ल मार्क्स वगैरह जैसे लोगों ने काम किया है, बाबा साहब अम्बेडकर भारत के लिए काम किए हैं। ये समाज के सिर्फ नीचे के तबकों को एक शक्ति ही नहीं दी है, अपितु पूरे देश को एक संविधान बना के एक दिशा निर्देश दिए हैं जिस पर आज भी हमारा देश चल रहा है और हमारा देश आज तरक्की कर रहा है। तो बाबा साहब अम्बेडकर का इसमें पूरा योगदान है। हाँ, थैंक यू सो मच सर। विधायक सर, क्या आप कहेंगे जिस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन जो अधिकार है तमाम नागरिकों को समान तौर पर देखा जाता है, तो एक काफ़ी संघर्ष रहा बाबा भीमराव अम्बेडकर को, कुछ आप उनकी बातों उनके संघर्ष के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? बाबा साहब जो है वो महिलाओं के समानता के लिए हो, तमाम समाज से छुआछूत ख़त्म करने की बात हो, हिंदुस्तान के आज़ादी के बाद हिंदुस्तान किस रास्ते से चले, किस नियम कानून से प्रशासित हो, इसकी बात हो और हर क्रांति के बाद एक बड़े एक तरह से राजनीतिक बदलाव के बाद समानता, स्वतंत्रता, भाईचारा उसके मूल में होता है और उसको कैसे स्थापित किया जाए वो बाद वाला संविधान जो है उसको समाहित करता है। अंबेडकर साहब ने इन तमाम चीज़ों को संविधान एक लास्ट सवाल सर, जिस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन जो अपना इंडिया है, क्योंकि तमाम अलग अलग डिफरेंट कम्युनिटी के लोग रहते हैं, अलग डिफरेंट रिलीजियस के लोग रहते हैं, कहीं ना कहीं एक जो प्रियम्बल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का संविधान में कहीं ना कहीं जोड़ता है हिंदुस्तान को, इस पर क्या कहना चाहेंगे? भारत जो है विविधताओं का देश है और इसमें बहुभाषी लोग हैं, एक तरह से बहुक्षेत्रीयतावाद भी है, बहुत तरह की बातें हैं और सबको ले करके और हिंदुस्तान बना है। तो हमारा जो संविधान है बहुलवादी संविधान है, सभी को समानता का, भाईचारा का, बराबरी का एक तरह से संदेश देता है और इसी ढंग के तमाम चीज़ें समाहित हैं उसमें, जिसको आज भाजपा की जो मोदी की सरकार है उसको तार तार कर रही है एक देश एक कानून के नाम पर, जबकि इस ढंग के बहुत सारे नारों को सामने ला करके वो बाकी जो समुदाय हैं उपेक्षित हैं, दलित हैं, अल्पसंख्यक हैं, उन पर हमले कर रही है। ये बहुत ही खतरनाक है और आज बाबा साहब से हम लोग प्रेरणा लेंगे कि जो उनका संकल्प था
जिस आधार पर उन्होंने संविधान की रचना थी कि उस आधार पर हम लोग आगे बढ़ें, संविधान को बचाया जाए, लोकतंत्र को बचाया जाए, यही आज देश बचाने की चुनौती हम सभी लोगों के सामने है, ये हम लोग आज संकल्प लेते हैं। थैंक यू सो मच। तो जैसे कि बाबा भीमराव अंबेडकर के जयंती आज मनाया गया, उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण किया गया, तमाम यहाँ पर अधिकारी थे, BDO CEO सर और विधायक ने बखूबी बात बताया कितना संघर्ष रहा बाबा भीमराव अंबेडकर का। बहरहाल आप देखते रहिए जामिया वर्ल्ड, साथ में पब्लिक न्यूज में मोहम्मद तस्लीम, बिहार के चंपारण मनाटार ब्लॉक से।